मुरादाबाद शहर में नगर निगम प्रशासन द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, साथ ही कार्यवाही भी की जाती है, मगर इन सब के बावजूद भी आज भी शहर के मुख्य बाजारों में जाम की समस्या बनी हुई है। उसका मुख्य कारण ये है कि अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों ने जरूरत से ज्यादा सामान दुकान के बाहर रखा है, जिसकी वजह से रोड की चौड़ाई कम हो चुकी है। वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर के गुरहट्टी चौराहे, दुर्गा मंदिर रोड, ताड़ीखाना चौराहा, जीएमडी रोड, विकास मंजिल रोड, बुद्ध बाजार का चौराहा, नगर निगम कार्यालय के साथ आसपास के सभी बाजारों में व्यापारियों ने जरूरत से ज्यादा सामान दुकानों के बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन रोडों पर जाम लग जाता है और वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुछ व्यापारियों का ये मानना है कि जाम लगने की वजह से व्यापारियों की खरीदारी पर भी काफी असर पड़ा है। महानगरवासी अब मुख्य बाजारों में आना नहीं चाहते, क्योंकि वे जाम की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है। कई बार नगर निगम ने दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने के लिए व्यापारियों से अपील भी की और अभियान भी चलाया, मगर उसके बावजूद भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण बाजारों में आए दिन जाम लगता रहता है और सभी शहरवासियों को समस्याएं भी होती हैं। यदि व्यापारी अपना सारा सामान दुकान के अंदर रखें और सड़क पूरी तरह खुली हुई हो तो ऐसे में वाहनों को आने और जाने में कोई समस्या नहीं होगी, साथ ही मुख्य बाजारों में जाम भी नहीं लगेगा। कारण यही है कि व्यापारियों ने दुकान के बाहर जरूरत से ज्यादा सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन ये समस्याएं होती रहती हैं। नगर निगम कई बार व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी कर चुका है, मगर व्यापारी अपनी मनमानी पर बने हुए हैं और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अभियान चलने के बाद कुछ दिन तक ध्यान रखा जाता है, मगर उसके बाद फिर व्यापारी अपने सामान को सड़कों पर रखते हुए दिखाई देते हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए व्यापारी नेता विपुल अग्रवाल एडवोकेट का कहना है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा ई रिक्शाओं का प्रवेश होने के कारण साथी व्यापारियों द्वारा जरूरत से ज्यादा दुकान के बाहर सामान रखने की वजह से जाम की समस्या आए दिन आम बात है। हालात ये हैं कि अब जाम लगने के कारण व्यापारियों की खरीदारियों पर भी काफी असर पड़ रहा है। इस दौरान नगर निगम से इस समस्या के समाधान करने के लिए अपील भी की गई, साथ ही सभी व्यापारियों से कहा है कि वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण न करें। शहर में जाम का मुख्य कारण है यातायात व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से ना होना, जैसे ई रिक्शा संचालन जो कि गलत तरीके से इधर उधर ई रिक्शा संचालन होता है, ट्रैफिक का सेंस ना होना, जैसे आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं एकदम से आपने ब्रेक लगाया और वहीं मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर दी बीच रास्ते में। सबसे बड़ा मुख्य कारण है अतिक्रमण, जो जाम की समस्या को बढ़ावा दे रहा है दिन प्रतिदिन। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समय समय पर इसको नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई भी की जाती है, परंतु वो एक दो दिन चलती है और फिर ठप हो जाती है। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि कुछ लोगों ने दुकान के बाहर जरूरत से ज़्यादा सामान रखा है? बिल्कुल, मेरे कुछ व्यापारी भाइयों ने अपना शो करने के लिए, माल को जग जाहिर करने के लिए अपनी दुकानें जितनी अंदर नहीं है उससे ज़्यादा बाहर की ओर बढ़ा रखी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि वह पुलिस प्रशासन का और जनता का सहयोग करें। अगर जाम लगता है तो नुकसान उनका ही नहीं, सभी व्यापारियों का होता है, क्योंकि जाम लगने से जो कस्टमर है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है।